जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कर दिया गया है। इस जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार, हमारे अधिकार, हमारे अधिकार, हमारे लिए पार्टियों, तमाम पार्टियों जिसके अंदर कांग्रेस है, शिवसेना, यूपीटी है, एमसी है, आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, सीपीआई, सीपीएम, यहां तक के कई सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया पीस अलायंस, वुमेन राइट कमीशन, तमाम संगठनों के और कार्यकर्ताओं, नेताओं द्वारा आज यहां पर शहीदी चौक के अंदर प्रदर्शन किया गया। देखिए, अब हमारे सबर का बांध टूट चुका है। जनता अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर को जो है उसका राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली हो। लगातार हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 5 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने हुए और 6 साल से ऊपर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक पिछली जो है सरकार गिरे हुए। 2018 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी। आज जनता परेशान है, जनता बहुत ज्यादा जो है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मंदी से जूझ रही है। तमाम जनता चाहती है, तमाम पार्टियां चाहती हैं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार के साथ हमारा राज्य का दर्जा लौटाया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। आज हमने जिला स्तर पर सर्वदलीय पार्टियों द्वारा ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चे के बैनर तले यहां पर प्रदर्शन की जो है शुरुआत कर दी है। अब ये आंदोलन जो है तमाम जिला, तमाम तहसील के अंदर पहुंचेगा, जनता को जागरूक किया जाएगा और एकजुटता के साथ हम जनता को सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो कुछ आपने छीना है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार, हमारे का राज्य का दर्जा, जल्द से जल्द हमें जो है वो वापिस किया जाए।